लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले प्रत्याशियों को लेकर सियासत गरमाई हुई थी और अब कांग्रेस ने इन सीटों को लेकर एक और बड़ा फैसला ले लिया है। कांग्रेस के फैसले से लगता है कि रायबरेली और अमेठी सीट जीतना उसके लिए नाक का सवाल बन गई है। क्या बड़ा फैसला लिया है, इस वीडियो के अंदर बताएंगे। मैं हूं आपके साथ में राहुल कुमावत। पार्टी ने दोनों लोकसभा सीटों पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्काल प्रभाव से रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्रों में AICC के वरिष्ठ पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कांग्रेस ने रायबरेली में छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल और अमेठी में राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत की ड्यूटी लगाई है। रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से गांधी परिवार के वफादार किशोरी लाल शर्मा चुनावी मैदान में है। इन दोनों सीटों पर पांचवें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। अमेठी में साल 2019 में लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी को भाजपा की स्मृति ईरानी ने 55,000 से अधिक वोटों से हराया था। उस समय राहुल गांधी ने दो जगह से चुनाव लड़ा था, वो केरल के वायनाड से चुनाव जीत गए थे। इस बार कांग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है और राहुल गांधी रायबरेली से मैदान में इस बार उतरे हैं। अब ये दोनों सीटें कांग्रेस के लिए जीतना नाक का सवाल इसलिए बनी हुई है क्योंकि अमेठी से राहुल गांधी की हार हुई थी पिछली बार और इस बार अब प्रत्याशी बदल दिया गया है। लोग सियासी गलियारों में इसे डर कह रहे हैं और अब राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से प्रत्याशी बदल के किशोरी लाल शर्मा अब मैदान में उतर गए हैं और इन दोनों ही सीटों के लिए दो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्रियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है, वो वहां पर अब पूरी तरीके से कमान संभालने वाले हैं। इन दोनों ही सीटों पर पांचवें चरण में मतदान होगा। पार्टी ने दोनों लोकसभा सीटों पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्काल प्रभाव से रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्रों में AICC के वरिष्ठ पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कांग्रेस ने रायबरेली में छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल और अमेठी में राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत की ड्यूटी लगाई है।